नमस्कार साथियों, कक्षा पाँच का आज गणित का पेपर कंप्लीट हो चुका है। उसके आंसर के देखें आप, फर्स्ट में आएगा एल समकोण वाली आकृति, वो होती है एल। फिर उसमें समकोण अधिकोण और न्यूनकोण छांटने थे दूसरे प्रश्न में, तो समकोण है क्यू और अधिकोण है वाई, बाकी सारे दे रखे हैं न्यूनकोण ए बी सी पी आर एक्स वाई। सत असत वाला था एक प्रश्न तीसरा, उसमें पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है। और उसके बाद एक और प्रश्न था जिसके अंदर संख्या लिखनी थी, इकाई का अंक तीन है, सॉरी इकाई दहाई दहाई का अंक सैकड़े का, उसका आंसर आ जाएगा चार नंबर। पाँच में आएंगे दो, जिसमें आपको एक बटे दो प्लस एक सही एक बटे दो, इन दोनों को जोड़ना था, तो चार बटे दो आ जाएगा, काटेंगे तो दो उत्तर। इसमें भाग देना है चार में छः का, चार एकम चार, घटाएंगे दो बच जाएगा, पॉइंट लगाओ जीरो, चार पंजो बीस। एक दशमलव भिन्न लिखनी थी, पाँच बटे दस काटेंगे आप एक बटे दो, एक बटे दो में भाग देंगे तो ये हो जाएगा इसका दशमलव रूप, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नौ है, उसके उसमें आएगा आपको 26 गुणा दस 260, और एक ये भाग था 525 में पाँच का, तो पाँच का भाग देंगे तो पाँच, एक बच जाएगा, सॉरी दो उतारेंगे, कुछ नहीं बचेगा, पाँच उतारे भाग टूट की जीरो, पाँच पाँच आम 25, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो वो था जो जोड़ का, उसमें पहले में चार, दूसरे में जीरो, तीसरे में दो, ये आएंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो कुछ ऐसे प्रश्न थे, जो इसका स्थानीय मान था 6000 का, तो 6000 आ गया एक में, दूसरे में 6 का आ जाएगा 60, दोनों को घटाएंगे 5940, ठीक है। तो ये आपके कितने, कमेंट्स करके जरूर बताएं कितने प्रश्न आपके राइट हुए।